अग्निपथ पर आग की जो लपटे पिछले 6 दिनों से देश में देखी जा रही है, ये किसी नई योजना पर विरोध का पहला मामला तो नहीं है। भारतीय राजनीति के इतिहास के पन्ने आप पलट लीजिए, साफ आपको दिखेगा कि देश में जब भी किसी बड़े बदलाव का ऐलान हुआ है, उस पर विरोध की आग भड़कने में देर नहीं लगी है। फिर चाहे योजना लॉन्ग टर्म में देश के फायदे की हो या फिर शॉर्ट टर्म में। पहले 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस विरोध प्रदर्शन की है जो 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के आर्थिक उदारीकरण के खिलाफ हुई। दूसरी तस्वीर उस विरोध प्रदर्शन की है जो तब भड़का जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर की शुरुआत की थी। ये तस्वीरें हमने आपको मिसाल के तौर पर दिखाई है और ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो आज देश की तरक्की की नींव मानी जाती है, वो कभी उसी तरह विरोध का शिकार हुई जैसे आज अग्निपथ हो रहा है। तो सवाल ये है और बहुत लाजमी सवाल है कि क्या भारतीय राजनीति रिफॉर्म विरोधी है? क्या वोट बैंक की राजनीति रिफॉर्म के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा है? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि हमारे इतिहास में कई ऐसी योजनाओं का विरोध दर्ज है जिन्हें आज सुनकर भी यकीन आप नहीं कर पाएंगे। रेलवे की शान कही जाने वाली राजधानी ट्रेन को चलाने का ऐलान आपको पता है 3 मार्च 1969 को किया गया था। तब इस ट्रेन को चलाने का विरोध नौकरशाहों और विपक्षी दलों ने किया था। सही सुन रहे हैं आप। उस समय दलील ये दी गई कि इतनी महंगी ट्रेन में सफर करना आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा, यात्री नहीं मिलेंगे हमको। आज स्थिति देखिए, राजधानी ट्रेन देश भर में लोकप्रिय है और कितनी है वो आप जानते हैं। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने देश में कंप्यूटर लाने का ऐलान किया। तब इस योजना का विरोध देश भर के कर्मचारी और मजदूर संगठन ने किया था और विरोध ये कहकर किया गया कि हाथ से होने वाला कंप्यूटर से होने लगेगा काम तो इंसान के लिए नौकरियों के अवसर खत्म हो जाएंगे। असर ये हुआ कि भारत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इस फैसले का असर ये हुआ, करोड़ों रोजगार दिए। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक उदारीकरण यानी विदेशी कंपनियों के देश में आने का रास्ता खोल दिया। तब विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया था। विरोध के पीछे दलील क्या दी कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड संस्था के दबाव में देश की अर्थनीति से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस फैसले का असर क्या हुआ, आर्थिक उदारीकरण ने देश में करोड़ों रोजगार बढ़ाए, आम आदमी की आमदनी को बढ़ाया। आज दुनिया में सबसे तेज बढ़ती विकास दर वाला देश हमारा भारत है। 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार पर संकट आया था, याद कीजिए, न्यूक्लियर बिल के कारण आया था। तब सरकार में शामिल लेफ्ट पार्टियों और विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया था। दलील क्या दी कि अमेरिका के दबाव में यह फैसला लिया जा रहा है और इससे भारत का परमाणु कार्यक्रम प्रभावित होगा। फैसले का असर क्या हुआ, न्यूक्लियर समझौते से परमाणु बिजली कार्यक्रम की रफ्तार बढ़ गई। सितंबर 2020 में आई कृषि सुधार कानून का विरोध देश भर में अभी तक लोगों को याद होगा हुआ था। कृषि सुधारों के विरोध में किसान संगठन और विपक्ष एक साथ उतर आए। दलील क्या दी गई, इससे खेती पर कॉरपोरेट का कब्जा हो जाएगा, किसान आजाद नहीं रहेगा। किसानों के लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद मोदी सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। रिफॉर्म के कानून पर सियासी विरोध का सबसे बड़ा उदाहरण तो GST है। भारत में GST व्यवस्था UPA सरकार लाना चाहती थी, उस वक्त BJP इसका विरोध कर रही थी और फिर जब BJP सरकार GST लागू करने के लिए आगे आई तो कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया। यही हुआ है हर बार। दोस्तों, आज टैक्स व्यवस्था एक जैसी लागू हो गई कि नहीं हो गई? रिफॉर्म का राजनीति के दावपेच में फंसने का सबसे बड़ा उदाहरण है GST। जब UPA की सरकार थी तो इसी GST का विरोध BJP किया करती थी। प्रधानमंत्री मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो भी इसका विरोध करते थे और कांग्रेस इसे लागू करने के लिए अड़ी हुई थी। जब तक आप IT नेटवर्क खड़ा नहीं करते, GST कभी सफल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के समर्थन में जो पार्टियां खड़ी हैं वे भी बोल रहे हैं, तमिलनाडु भी बोल रहा है और इसलिए रिफॉर्म का एजेंडा वे लागू नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार जिम्मेवार है। हम GST लाए हैं और हम पास कराना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने
तो उन्होंने जीएसटी में कुछ सुधारों के साथ उसे लागू किया। तब वही राहुल गांधी इसे गब्बर सिंह टैक्स करार देते नजर आए। उनकी सरकार ही लागू करने पर अड़ी रही। जीएसटी देश में बिजनेस का तरीका बदल दिया है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या यह संभव था? नहीं था। भारत आज दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पूरे देश ने प्यार से, खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया। ये बयान काफी है ये समझने के लिए कि कैसे देश में रिफॉर्म राजनीति का शिकार हो जाता है, लेकिन ये रिफॉर्म देश के लिए किसी इंजेक्शन का काम करते हैं। जीएसटी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में वही इंजेक्शन दे रहा है। राजनीति चाहे जितनी हो, लेकिन रिफॉर्म देश के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब जब देश में विरोध को झेल कर रिफॉर्म लागू किए गए, उसके नतीजे कुछ सालों बाद देश के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। 1960 के दशक में देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसका असर क्या हुआ? अनाज की कमी वाला देश अनाज का निर्यातक बन गया। आर्थिक उदारीकरण जब देश में ये लाया गया तो बड़ी बड़ी आशंकाएं जताई गई। असर क्या हुआ? ग्लोबल कंपनियों में अच्छे वेतन वाली नौकरियां मिली। देश की विकास दर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। 70 के दशक में वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की। असर ये हुआ कि देश के दूध उत्पादन में जबरदस्त इजाफा हुआ। अमूल जैसी कंपनी श्वेत क्रांति की ही देन है। देश में आधार कार्ड योजना लाई गई। इसके कई तरह के विरोध हुए। डेटा चोरी है, निजता का हनन है, जैसी खूब सारी दलीलें दी गई। फायदा क्या हुआ? सरकारी योजनाओं में हेराफेरी बंद हो गई। फर्जी लाभार्थियों की पहचान में 2.22 लाख करोड़ रुपए बच गए। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर कार्ड पर भी देश में हंगामा होता रहा है और होता है आजकल। लेकिन इन दोनों सुधारों का फायदा ये हुआ कि चुनाव में धांधली पर लगाम लग गई। ये रिफॉर्म्स थे जिनका समर्थन अगर नहीं हुआ तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। पूर्णिया सिटी जानिए। पूर्णिया सिटी शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है।
क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।